दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। तो आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, तो ये सूरजपुर का ठाकुर रसिक बिहारी बालाजी महाराज का मंदिर है और ये यहाँ फतेहपुर से करीब 30-35 किलोमीटर दूर है और ये दुनिया में छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है। और यहाँ इसके मंदिर के बिल्कुल जस्ट बगल से गंगा बहती थी दोस्तों, जो अब बहुत दूर जा चुकी है। और ये रहा मंदिर। ओ दोस्तों, जैसा कि अभी अजीत ने बताया कि ये लगभग 1700 या फिर 1700 के 20 आसपास मतलब ये निर्माण हुआ था इस मंदिर का, और उसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि लगभग कितने साल इसके हो गए होंगे। और जैसा कि आपको अभी अजीत ने बताया कि जस्ट यहाँ से जो खेत आपको दिख रहे हैं, जस्ट मंदिर के बाहर के आपको हम सीन दिखा रहे हैं, ये खेत आपको दिख रहे होंगे। ये खेत जहाँ से हैं, यहाँ पर एक समय था दोस्तों कि जहाँ पर से गंगा जी यहाँ से विराजमान थी, यहाँ से गंगा जी बहती थी, और जो कि अब गंगा जी लगभग 2-2.5 किलोमीटर दूर हो चुकी हैं। और ये राम मंदिर दोस्तों, जो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं, जैसा कि अजीत ने बताया कि मेरे पीछे मंदिर है, वो हम आपको पहले भी बता चुके हैं हमें, और फिर भी हम आपको एक बार इसके अंदर ले जा कर देखते हैं क्या है इसके अंदर, क्या ये मतलब इसकी खूबी है मंदिर की, ये सब चीज़ें आपको हम दिखाएंगे अंदर की। आइए चलते हैं दोस्तों मंदिर के अंदर। आइए दोस्तों आपको मंदिर के अंदर की भी थोड़ा रहस्यमय कहानी बताते हैं, नज़ारा दिखाते हैं। अजी थोड़ा दरवाज़ा खोलिए। हालांकि मंदिर दोस्तों अभी बंद है, फिर भी हम आपको जबरदस्ती इसको खोल के दिखाना पड़ रहा है। देख सकते हैं दोस्तों, ये आपको मंदिर की शुरुआती से डिजाइनिंग ऐसी दिखेगी जिसके मतलब कारीगरों की दाग देनी पड़ेगी कि ये मंदिर किस तरह का है, जो कि आज के कारीगर बना ही नहीं सकते इस तरह का मंदिर। आइए दोस्तों आगे दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये देख सकते हैं एक दरवाज़ा दोस्तों यहाँ से था, जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी ऊपर जाने के लिए। थोड़ा ऊपर दिखाइए। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर जाने के लिए ये सीढ़ियाँ बनी हुई थी और जस्ट इसी दरवाजे के मेन गेट के बगल में दूसरी सीढ़ी बनी हुई थी, जो कि ये भी बंद कर दी गई है दोस्तों सरकार की तरफ से, क्योंकि एक समय था दोस्तों यहाँ पर ढोल और नगाड़ों की गूंज सुनाई देती थी, लेकिन आज का ये समय है दोस्तों, यहाँ भूत प्रेत और चमगादड़ और बंदरों की सिर्फ गूंज सुनाई देती है दोस्तों। हालांकि ये अभी दिन में कोई दिक्कत नहीं है, बाकी रात में यहाँ आने से भी लोग कतराते हैं, डरते हैं लोग आने के लिए। बाहर के एकदम भव्य दृष्टि आपको दिखेगी, जो कि अभी बंद कर दिया गया है ये भी दरवाज़ा। और बाकी हम आपको दिखाते हैं, ये कुछ लिखा हुआ है, बाकी आधा तो ये गायब हो चुका है, इसको हम आपको पढ़ के नहीं बता सकते हैं, बाकी आप अपने हिसाब से समझ लेना। बाकी आप देख सकते हैं दोस्तों, ये जो कि मंदिर इतना ख़राब हो चुका है दोस्तों, थोड़ा पास से दिखाइए, मंदिर मतलब इतना खंडर में बदल चुका है। तो जैसा कि आपको हमने बताया अभी पहले कि ये मंदिर खंडर में तब्दील हो चुका है, यहाँ पूजा पाठ की कोई व्यवस्था नहीं है, केवल है तो सिर्फ चमगादड़ या बंदर या फिर भूत प्रेत की व्यवस्था है यहाँ पर, बाकी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। हालांकि अभी हम लोग 10 दिन या 15 दिन लगभग पहले आए थे, तो हमने देखा था कि यहाँ एक पंडित जी आए थे जो कि पूजा पाठ करा रहे थे यहाँ पर, और भगवद गीता भी मतलब पढ़ी जा रही थी, तो हम लोगों ने वीडियो शूट नहीं किया उस समय, क्योंकि यहाँ भागवत हो रही थी तो हम लोगों ने वीडियो नहीं शूट किया। और ये देख सकते हैं आप नज़ारा यहाँ का, जो कितना बिगड़ चुका है ये मतलब मंदिर पूरा खंडर में तब्दील हो चुका है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, कोई भी मंदिर हो या फिर भवन हो या फिर कोई भी किसी का भी मकान हो या फिर कोई भी महाराजा का जो ने महल हो, अगर उसमें कोई नहीं रहेगा तो 100% गारंटी मेरी दोस्तों कि वो उसमें भूत प्रेत तो ज़रूर वास करेंगे। तो वही चीज़ है, अगर दोस्तों आपको
इस चीज का वीडियो देखना है, भूत प्रेत यहाँ है कि नहीं है, तो आप कमेंट में हमें जरूर बताना, हम उस चीज का वीडियो बना देंगे। हालांकि दोस्तों हम लोग वो वीडियो बनाते नहीं हैं भूत प्रेत का। बाकी अगर आपको जानकारी लेनी है कि यहाँ भूत प्रेत है कि नहीं है, तो आप कमेंट करिएगा, हम जरूर आपको बताएंगे दोस्तों कि यहाँ भूत प्रेत हैं कि नहीं है। जो कि मेरा भाई है जो इस तरह के वीडियो बनाता है, वो भी यूट्यूबर है, जो कि आप सर्च कर सकते हैं कि द अनलॉग मिस्ट्री, जिसका हम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे दोस्तों, तो आप सर्च कर सकते हैं उसको, उसमें आपको पता चल जाएगा कि यहाँ भूत प्रेत हैं कि नहीं है। लेकिन दोस्तों तभी पता चलेगा जब आप कमेंट करोगे दोस्तों, हमें बताओगे, तभी हम आपको बता पाएंगे। हम उसको बुलाएंगे दोस्तों, यहाँ का वीडियो बनाएंगे, शूट करवाएंगे यहाँ का वीडियो, और भूत प्रेत अगर होंगे तो ज़रूर से ज़रूर उसके कैमरे में या नाइट विजन कैमरे में कैप्चर होंगे, और मोशन सेंसर लाइट के द्वारा आपको ज़रूर बताया जाएगा कि यहाँ भूत प्रेत हैं कि किसी भगवान का वास है। अगर कोई भी है यहाँ पर तो ज़रूर से ज़रूर उसमें कैप्चर होगा। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको और भी दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, आइए। तो एक ये दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों, ये कहाँ के लिए रास्ता का, ये इतनी जानकारी हम लोगों को तो नहीं है दोस्तों। बाकी आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं दोस्तों, इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये भी जो भी पुरानी ईंट लगी है, ये आज के ज़माने की ईंट नहीं है दोस्तों। थोड़ा इधर से दिखाइए, ये आज के ज़माने की ईंट नहीं है दोस्तों, ये बहुत ही पुराने ज़माने की ईंट है, जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने साल पुरानी लगभग ये ईंट होंगी, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप देख लीजिए, और फिर उसके बाद हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कितने लगभग साल पुरानी ये ईंट होंगी। और ये लगभग खंडर में तब्दील हो गया, ये दरवाज़ा देखिए दोस्तों, ये दरवाज़ा लगभग एकदम बर्बाद हो चुका है, ये खंडर में ये भी दरवाज़ा तब्दील हो गया है। तो और भी दिखाते हैं दोस्तों हम आपको आगे की ओर, तो ये देख सकते हैं दोस्तों, एक ये, एक दो तीन चार पाँच, और ये बीच में छः, ये छः आपको पाइपलाइन दिख रही होंगी, थोड़ा जूम करके दिखाइए, जूम करिए, ये दिखाइए, ये तो ये देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरह के छः चीज़ें लगी हुई हैं, जो कि आप बता सकते हैं कि ये किस चीज़ की होंगी। मेरे हिसाब से तो ये उस चीज़ की हैं दोस्तों, कि ये एक समय में यहाँ पर फुहारा चला करता था, जो कि हम लोगों ने गांव में या फिर यहाँ पर जो पंडित जी रहते थे उनसे हम लोग 10-12 दिन पहले मिले थे, जिनसे हम लोग बात की थी, और उन्होंने बताया कि एक समय में यहाँ फुहारा चला करते थे, पहले के ज़माने में राजा महाराजा रहते थे, तो बिना लाइट के ये फुहारा चला करते थे यहाँ होली के टाइम में, और होली दोस्तों इसी से मनाई जाती थी, जो ये फुहारा चलते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं, तो ये फुहारा चला करते थे, होली उसी के टाइम में मनाई जाती थी, और होली इसी से मनाई जाती थी कि रंग बिरंगे फुहारे चलते थे। तो आइए दोस्तों आगे भी दिखाते हैं, और दोस्तों दिखाते हैं सबसे मेन गेट दोस्तों मंदिर का यही है, जिसके अंदर श्री कृष्ण की मूर्ति है, और हालांकि दोस्तों हम आपको बताते हैं, ये मेन गेट है मंदिर का, जिसके अंदर वो श्री कृष्ण की मूर्ति है, जिसके दर्शन आपको नहीं करा सकते हैं। हालांकि ये मंदिर, जिसमें कुछ नोटिस लिखी हुई है, ये नोटिस जारी की गई है दोस्तों, कि अगर यहाँ पर कोई भी मतलब सरकार के खिलाफ या फिर कानून के खिलाफ कार्रवाई करते हैं, या फिर इस मंदिर को खंडर में बदलने की कोशिश करते हैं, हालांकि यह पहले से मंदिर दोस्तों खंडर में बदल चुका है, बाकी आप कोशिश न करिएगा, अगर यहाँ अगल बगल के अगर आप हो तो इस मंदिर में कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाइएगा, कोई भी गलत काम न करिएगा, अगर ऐसा आप करते हैं तो आपको दंडित किया जा सकता है, आपको जेल भी हो सकती है, तो वो चीज़ नोटिस जारी की गई है यहाँ पर, ये नोटिस पर्चा भी लगा हुआ है जो चिपका हुआ है, आप देख सकते हैं, जूम करके दिखाइए थोड़ा, हमारे ऑडियंस पढ़ भी सके, हो गया,
तो ये 1720 के ईस्वी में से बनवाया गया था दोस्तों। इसकी कारीगरी बेमिसाल थी और इसके कारीगरों का कोई जवाब नहीं, और ऐसा मंदिर लगभग इस ज़माने में बहुत ही कम देखने को मिलेगा दोस्तों। और यहाँ के लोग इस हिसाब का मंदिर अब बना भी नहीं पाएंगे। और इस मंदिर के भीतर जो मूर्ति थी राधा कृष्ण की, अशुद्धात की मूर्ति थी दोस्तों, इसने मीराबाई ने खुद स्थापित की थी, और जिसे कहा जाता है कि चोर चोरी करके ले गए, वो अब यहाँ पर नहीं है। तो दोस्तों जैसा कि अब आपको अब अजीत ने बताया भी कि एक यहाँ मूर्ति थी जो कि मीराबाई ने स्थापित कराई थी गिरधर गोपाल जी की, और एक दूसरी मूर्ति थी दोस्तों जो कि अष्टधात की बनी मूर्ति थी जिसको चोर चोरी करके ले गए थे। एक बार नहीं, करीबन लगभग ये 3 से 4 बार चोरी चोरी करके ले गए हैं। लेकिन हालांकि ये समझ लो मंदिर की किस्मत है या फिर भगवान का वास है यहाँ पर, जो भी आप मान सकते हैं दोस्तों, तो वो है जिसके वजह से चोर चोरी तो किए लेकिन वो सफल नहीं हुए, उनको पकड़ लिया गया, पुलिस ने पकड़ा, और वो मूर्ति एक बार नहीं 3-4 बार वापस आ चुकी है यहाँ से। हालांकि ये दोस्तों मूर्ति अभी भी अष्टधात की जो मूर्ति है यहाँ पर नहीं है, बाकी ये दूसरे जगह में विराजमान करा दी गई है, जो स्थापित है दूसरी जगह में, बाकी यहाँ पर नहीं है दोस्तों वो मूर्ति। और वहाँ किसी को इजाज़त भी नहीं है जाने के लिए, क्योंकि 3-4 बार चोरी हो चुकी है, जिस वजह से सरकार ने या फिर गांव के लोगों ने वहाँ पर जाना एकदम सख्त मना कर दिया है, जिस वजह से हम लोग वहाँ का तो आपको उस मूर्ति का दर्शन नहीं कर सकते हैं। और बाकी वो मूर्ति थी जो भी बहुत ही अद्भुत मूर्ति थी दोस्तों, जिसको हम आपको दर्शन नहीं करा सकते हैं, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि इजाज़त नहीं है सरकार की तरफ से भी, और गांव वालों से हमने बात भी की लेकिन वो लोग इजाज़त नहीं दिए हम लोगों को दिखाने के लिए। तो बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं पूरा मंदिर, बाकी जो भी नहीं दिखा है बाकी आपको आगे दिखाते हैं आपको, और देख सकते हैं एक ये है जिसमें एक समय में इसमें भी फुहारा चला करते थे दोस्तों, पास से दिखाइए थोड़ा, देख सकते हैं दोस्तों ये जो छेद है, जो मेरी उंगली देख सकते हैं आप, ये जो छेद है इससे फुहारा चला करते थे दोस्तों ऐसे चारों तरफ के लिए। और सेम इसी तरह दोस्तों एक साइड में भी बना है, उधर दिखाइए, सेम इसी तरह साइड में बना है दोस्तों। बाकी हम आपको ये बीच के जो नज़ारे थे वो तो दिखा ही चुके हैं आपको, बाकी हम आपको और भी दिखाते हैं। एक ये दोस्तों रास्ता थी अंदर जाने के लिए, जो भी ये भी बंद कर दी गई है, हालांकि यहाँ एक नहीं कई रास्ताएं ऐसी थी जो ऊपर जाने के लिए, हालांकि 6-7 लगभग रास्ताएं थी जो कि बंद कर दी गई हैं। और अब के समय में लगभग 2 ही रास्ताएं ऐसी हैं जो ऊपर जाने के लिए केवल चालू हैं, बाकी मंदिर ही बंद है। तो दोस्तों हम आगे कोई रास्ता आपको नहीं दिखा सकते हैं, हालांकि अभी 10-15 दिन पहले हम लोग आए थे यहाँ पर, तो पंडित जी थे उन्होंने बताया कि आप लोग 8-10 दिन बाद आइए, यहाँ पर भागवत का प्रोग्राम था थोड़ा, तो इस वजह से हम लोग वीडियो नहीं बना पाए। और अभी आए तो पता चला कि पंडित जी जा चुके हैं यहाँ से, तो हम लोग नहीं दिखा पाए। और यहाँ पर दोस्तों यही पास ही में बगल में, इसी मंदिर के साइड में बगल में वो मेले का कार्यक्रम भी होता है, जो बहुत ही बड़ा मेला लगता है दोस्तों, लगभग 3 से 4 दिन का मेला लगता है, छोटा मोटा मेला नहीं है, बहुत ही बड़ा मेला है जो मेला लगता है यहाँ पर, और ये कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है दोस्तों मेला, ये लगभग 3 से 4 दिन लगता है मेला। तो अगर आप यहीं पर फतेहपुर या कानपुर के आसपास के हैं कहीं के, तो आप आइए इस मेले का आयोजन ज़रूर लीजिएगा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेला लगता है, आप जानकारी ले लेना यहाँ के बारे में तो पता चल जाएगा आपको कि किस दिन मेला है किस दिन नहीं है। तो बाकी की दास्तान हम आपको आगे दिखाते हैं। अगर दोस्तों आपको गंगा जी भी देखनी है, जो कि मंदिर से जस्ट साइड से बहती थी, जहाँ कि आपको एकदम वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया कि मंदिर है, मंदिर के जस्ट बगल में खेत है,
और जहाँ पर खेत है वहीं पर गंगा जी बहती थी दोस्तों। तो वहाँ से लगभग 2.5-3 किलोमीटर दूर हो गई है मंदिर, मंदिर से गंगा जी 2.5-3 किलोमीटर दूर हो गई है, जिसको आपको अगर नज़ारा देखना है तो हम आपको गंगा जी की भी दिखाएंगे, आपको गंगा जी के दर्शन कराएंगे। तो उसके पहले हम आपको दिखाते हैं यहाँ और भी कुछ जो भी खंडर में तब्दील हो गया है, और भी डिज़ाइनें आपको दिखाएंगे मंदिर की। आइए दोस्तों, सकते हैं दोस्तों ये कंडीशन देख सकते हैं आप, ये ऐसा टूटा हुआ है दोस्तों। और ये देख सकते हैं, ये दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, अब मेरे हाथ को जस्ट आप हाथ को देखिए मेरे, ये केवल छोटी सी जो ईंट लगी हुई है ये बहुत ही पुराने ज़माने की ईंट है। अगर आप लोग पुराने ज़माने के मकान या फिर कोई भी खंडर या भी तालाब देखे होंगे तो आपको ज़रूर जानकारी होगी दोस्तों कि ये छोटी सी ईंट लगाई जाती थी पहले, जो कि ये प्लास्टर था वो चूने और शायद किसे राखी से बनाई जाती थी ना, तो चूने और राखी से बनाई जाती थी, उसी का ये प्लास्टर है दोस्तों। और ये छोटी सी ईंट पहले के ज़माने में हुआ करती थी, अब तो बहुत ही बड़ी ईंट हो गई है, ये पहले बहुत ही छोटे ज़माने की ईंट थी ये, तो देख सकते हैं आप। और ये एकदम खंडर में तब्दील हो गया, इसकी डिजाइन ही आप देख सकते हैं दोस्तों, इधर दिखाइए थोड़ा, ये डिजाइनें दिखाइए थोड़ा, ऊपर की डिजाइनें दिखाइए जूम करके, तो ये डिजाइनें देख सकते हैं दोस्तों आप। अगर कोई भी दोस्तों ऐसा कारीगर हो, अगर मेरा वीडियो देख रहा हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, ऐसे कारीगर की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों। मेरे पास तमाम कमेंट आते हैं दोस्तों कि ऐसा कारीगर मुझे चाहिए, लेकिन ऐसा कारीगर दोस्तों आज के ज़माने में नहीं मिलता है। अगर आपको जानकारी हो ऐसे कारीगर की तो ज़रूर दिखाइए हमें, जो कि हमें ऐसा कारीगर दे सके। जैसा कि आप देख सकते हैं पूरा मंदिर देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं ये फ्रंट का पूरा मंदिर है, जो आप देख सकते हैं फ्रंट का पूरा ये मंदिर है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं अब गंगा जी, और दिखाते हैं आपको गंगा जी के दर्शन कराते हैं आपको। ये तो दर्शन कर लीजिए दोस्तों गंगा जी के, हम लोग भी कर लेते हैं। और ये दोस्तों गंगा जी घाट है, जो कि अमावस्या पूर्णिमा के दिन यहाँ मेला लगता है, और बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं यहाँ गंगा जी के दर्शन करने, स्नान करने यहाँ पर। और बस इतना ही दोस्तों, तो फिर से मिलते हैं एक नई वीडियो में और नई लोकेशन के साथ, और बहुत ही अच्छी लोकेशन के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।